स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता, आपका लाइफ साइंस एजुकेटर। अगर आप सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, गेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए कुछ बुक्स को पढ़ना जरूरी हो सकता है। तो इसी सीरीज में मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ कि अगर आप एनिमल फिजियोलॉजी यूनिट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये जो बेस्ट बुक है, ये यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको, मेडिकल फिजियोलॉजी बाई गाइटन एंड हॉल। अपने आप में बहुत ही सफिशियंट बुक है आपकी तैयारी के लिए। इसका जो कंटेंट है बहुत ही वेल डिफाइंड है, टेबुलर फॉर्म पर चीजें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट की गई हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस बुक में बहुत अच्छा दिया गया है। तो आप इस बुक को जरूर कंसिडर करें अगर आप बुक पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखेंगे कि आप अपना पहले डेडिकेटेड टाइम स्लॉट जरूर चेक कर लें कि क्या आपके पास एक डेडिकेशन है, क्या आपके पास एक टाइम अवेलेबल हो रहा है कि आप उस टाइम पर एक यूनिट के लिए प्रॉपर बुक पढ़ सकते हैं। अगर है आपके पास टाइम तो प्लीज आप इस बुक को कंसीडर करें, बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर एक और बुक अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इसी सीरीज में अगर आप दूसरी बुक भी पढ़ना चाहें, तो एक और बुक है यहाँ पर, ये है आपका गेनोम्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी। बहुत ही शानदार कंटेंट है इसमें भी, लेकिन जब आप ये बुक्स पढ़ोगे तो थोड़ा सा देखना इनमें कुछ क्लिनिकल डेटा दिए गए हैं जो हमारे सिलेबस में हमको जरूरत नहीं पड़ती है। तो उन चीजों को आप एलिमिनेट करें और अपने कॉन्सेप्ट को जरूर स्ट्रॉन्ग करें इन बुक से। तो कोशिश करें कि एक टाइम पर आप इन दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़ें आप जरूर। हाँ, इसका कंटेंट आपके लिए कितना अंडरस्टैंडेबल है, दो बुक्स का एक एक चैप्टर आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लें, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस बुक की लैंग्वेज आपके लिए कंफर्ट जोन में है। तो जिस बुक की लैंग्वेज आपको ज्यादा आसान लग रही है उस बुक को आप प्रेफरेंस दें और उसी बुक से सारे यूनिट्स को कवर करें। ऐसा नहीं कि एक टाइम पर आप एक यूनिट के लिए तीन तीन चार चार बुक खोल के बैठे हुए हैं, वो आपका टाइम किल करेगा और कुछ नहीं। आप एक ही टॉपिक को चार जगह से कंपेयर करके पढ़ रहे होंगे, उससे आपको कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो बेटर यह है कि एक यूनिट को एक बेस्ट बुक से पढ़ें और उस बेस्ट बुक से पढ़ने के बाद अपने कंटेंट को एनहेंस करें। इन बुक्स का पीडीएफ अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ये पीडीएफ आपका इस टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया गया है। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और ये बुक के पीडीएफ आपको वहां पर शेयर कर दिए गए हैं। और एक और चीज बात ध्यान रखें, आप हमारे साथ तैयारी पर जुड़े रहें। 7 बजे यूट्यूब पर आपकी डेली लाइव क्लास होती है थर्सडे टू संडे, और साथ के साथ 8 बजे आपकी टेक्स्ट बुक पर क्लास होती है, तो वहां पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू ऑल।